फटाफट हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं बिलाल शेख और आप देख रहे हैं तहलका न्यूज। धर्म संसद से पहले जुटे हजारों शिव सैनिक आज अयोध्या में हुंकार भरेंगे उद्धव ठाकरे। एमपी चुनाव से खबरें हैं, राहुल गांधी दमोह सागर और टीकमगढ़ में करेंगे चुनावी रैली। राहुल महाजन ने की तीसरी शादी, एक्स वाइफ डिम्पी महाजन ने दिया है रिएक्शन। बारिश ने छीना टीम इंडिया से मौका विराट रिकॉर्ड बनाने का। और नोएडा में हुआ आधे घंटे में 2 एनकाउंटर, 3 बदमाश गिरफ्तार। और डीएमसी के रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल बाद मुसलमानों के कब्र के लिए जगह नहीं रहेगी दिल्ली में। कमलनाथ के गढ़ में गरजे अमित शाह, कहा एमपी में कौन है कांग्रेस का कप्तान। अफगान सैन्य बेस में मस्जिद में बड़ा धमाका, 27 लोगों की मौत। सैमसंग की गलती से कैंसर की चपेट में आए कर्मचारी, सैमसंग ने मांगी माफी। आईसीसी ने बदल दिया T20 विश्व कप का नाम। सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हार कर T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई भारतीय टीम। और सेंसर बोर्ड से नाराज गोविंदा ने कहा कि इंडस्ट्री में सब कुछ ठीक नहीं। 10 सीआरपीएफ जवानों की हत्या के आरोपी नक्सली को गिरफ्तार किया एटीएस ने। जीन्स पहनते हो फिर अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते, यह पूछने पर पंकज त्रिपाठी ने दिया सटीक जवाब, कहा जिस उम्र में भाषा सीख रहा था उस समय जीन्स पहनने की हमारे पास सहूलत नहीं थी। ये थी फटाफट खबरें आपके लिए फटाफट हेडलाइंस में। देखते रहिए तहलका न्यूज़।